नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन उस पर भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी दोस्तों, हम हैं टोंक में मौजूद और आपसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टोंक पधारे और जो अपने पंचायती राज LDC के 10,029 और SSR के 4915 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने में सहयोग प्रदान करें। LDC और SSR भर्ती को लेकर मनरेगा कर्मचारियों का आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। कलश यात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपेंगे दोस्तों। कल 11वें दिन कनक दंडवत कर नियमितीकरण की मांग की और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ मनरेगा संविदा कार्मिकों ने भैंस के आगे बीन बजाई, नारेबाजी की। मनरेगा संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन व अनशन के तहत गुरुवार को कर्मचारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर व कनक दंडवत कर सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। पंचायत राज विभाग की कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती के 10,029 व अधीनस्थ सेवा के 4915 पद भाजपा सरकार द्वारा विड्रॉ कर किए गए पदों को बहाल करते हुए नियुक्ति के आदेश जारी करने की मांग को लेकर रामलीला मैदान के गांधी पार्क में महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ का धरना व 25 व्यक्तियों का आमरण अनशन 11वें दिन यहां पे मनरेगा कर्मचारियों का जारी रहा और सरकार से मांगे नहीं माने जाने के विरोध में धरना स्थल व कंकाली माता मंदिर के क्षेत्र के में भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी मांगे मनवाने जाने का अनूठा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। वहीं इसके बाद प्रदेश भर से धरने पर आए कर्मचारियों ने धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक कनक दंडवत करते हुए मोर्चा निकाला कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर KK शर्मा को यहां पे ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेशाध्यक्ष अशोक कुमार वैष्णव ने बताया कि शुक्रवार को मनरेगा कर्मी शहर के विभिन्न क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि विभूतियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई व माल्यार्पण कर कलश यात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपेंगे। मांगे नहीं माने जाने तक धरना और आमरण अनशन जारी। यहाँ दोस्तों आमरण अनशन एवं धरना स्थल को महावीर धाकड़, शोभालाल तेली, शाहिद अली खान, कर्माराम डांगा, राजू बैरागी, वकील खान आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा की कार्रवाई होने तक मनरेगा संघ का धरना व आमरण अनशन जारी रहेगा। जी दोस्तों, बुधवार रात 6 कार्मिकों को तबियत बिगड़ने के कारण इनको अस्पताल में भर्ती करवाया और ICU में इनका इलाज करवाया, जिसमें अशोक वैष्णव, विनय पंचोली, सेवाराम, इमरान खान, नारायण सिंह व पदम सिंह शामिल है। दोस्तों मांगे नहीं माने जाने तक मनरेगा संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन 2 दिसंबर से यहाँ पे जारी है। मेरी सभी दोस्तों से, जो फ्रेशर साथी है चाहे वो संविदा कर्मचारी, सभी से विनम्र निवेदन और अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टोंक पधारें और अपनी जो भर्तियां हैं पंचायती राज LDC और SSR उनको पूरा करवाने में सहयोग प्रदान करें। जी दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज कलश यात्रा निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपनी विभिन्न मांगे जिसमें पंचायती राज LDC SSR भर्ती और इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं उनको मनवाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में टोंक पधारे ताकि पंचायती राज LDC और SSR भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों टोंक आए, अपने साथियों को लेके आए ताकि जल्द से जल्द अपना सॉल्यूशन निकल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।